हे गाइस, वेलकम टू एचएस टेक जोन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यहां पर रेडमी 5 के बारे में। दोस्तों, रेडमी 5 के लिए फाइनली एक और अपडेट आ चुका है, जिसका नाम है यहां पर MIUI 10.1.3.0 ODAMIFI। ये दोस्तों अपडेट आई है 1.3 GB के। दोस्तों, इस वाले अपडेट में खास बात ये है कि आपको इसमें एंड्रॉयड ओरियो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ कि कब तक आपको ये अपडेट देखने मिल जाएगा और यहाँ पर क्या क्या खास आपको देखने को मिल रहा है और क्या क्या फिक्स है। दोस्तों, पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए आपने आज की हमारी ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखनी है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो पास वाले नोटिफिकेशन का आइकन आएगा तो आपने इस पर क्लिक कर देना है, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप हमारी वीडियो देख सकें। तो अब बात करते हैं यहाँ पर इस अपडेट के बारे में। दोस्तों, इस वाले अपडेट में सबसे खास बात यह है कि आपको देखने को मिला है यहाँ पर एंड्रॉयड ओरियो का अपडेट। दोस्तों, इस वाले वर्जन का नाम है यहाँ पर MIUI 10.1.3.0 है। तो ये एक स्टेबल वर्जन है और यहाँ पर आपको देखने को मिला है यहाँ पर सबसे पहले एंड्रॉयड ओरियो अपडेट। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट फिक्स की। तो लिखा हुआ इन्होंने फिक्स कैमरा बग ऑफ स्टेबिलिटी, यानी कि जो कैमरा में स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी तो वो फिक्स कर दिया गया। उसके बाद में यहाँ पर बता रहे हैं नेक्स्ट फिक्स, लिखा हुआ इन्होंने फेस डिटेक्शन फ्रेम डिडंट अपीयर आफ्टर द एज रिकग्निशन ऑप्शन हैड बीन टर्न्ड ऑन, यानी कि जब आप एज रिकग्निशन वाला जो ऑप्शन ऑन कर देते थे उसके बाद में यहाँ पर जो फेस डिटेक्शन वाला फ्रेम है वो शो नहीं होता था, तो वो फिक्स कर दिया गया। आप दोनों चीज़ आप एक साथ यूज कर सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर सेटिंग के। सेटिंग में लिखा है इन्होंने सेटिंग लुक मच बेटर ऑन कार्स, यानी कि यहाँ पर कुछ सेटिंग में भी चेंज किए गए हैं कार्स वगैरह में। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट चेंज की। तो लिखा है अपडेटर ए न्यू होम स्क्रीन शॉर्टकट ऑप्शन, यानी कि अब थोड़े से ऑप्शन और आ गए हैं, ऐड हो गए हैं। उसके बाद में आती है बात नेक्स्ट चेंज की। तो यहाँ पर लिखा है फिक्स रिकॉर्डिंग स्टेटस वॉज नॉट अपडेटेड इन नोटिफिकेशन शेड वेन ए रिकॉर्डिंग वॉज पोस्ट, जाने कि जब आप कोई रिकॉर्डिंग जो पोस्ट करते थे उसके बाद जब आप उसे दोबारा से रिज्यूम करते थे तो वहाँ पर जो नोटिफिकेशन का टाइम था वो यहाँ पर चेंज नहीं होता था, जाने कि वही रहता था पुराने वाला, तो वो फिक्स कर दिया गया। दोस्तों, ये जो अपडेट है ये बहुत ही खास अपडेट आया है यहाँ पर रेडमी 5A के यूजर्स के लिए। तो दोस्तों, आपको बता दूं इसमें आपको देखने को मिला है यहाँ पर एंड्रॉयड ओरियो, तो ये सबसे खास बात है। लेकिन दोस्तों, मैं बता दूं अभी आपको ये अपडेट तो मिल गया है, लेकिन ये अपडेट मिला है अब केवल रैंडम यूजर्स को, जाने केवल 3-4% लोगों को। अब जो बाकी के लोग हैं उन्हें लगभग 1 वीक के अंदर ये अपडेट देखने मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप थोड़ा वेट करना चाहते हैं तो वेट कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों अभी आप इस अपडेट का मत कीजिए, क्योंकि जो इस वाले अपडेट में अभी बहुत सारे बग हो गए, जैसे कि बैटरी का इशू हो गया और कैमरा वगैरह आपका स्टक हो सकता है, क्योंकि ये जो एक अपडेट है ये नोगर से आप ओरियो पर आ जाएंगे। दोस्तों, ओरियो में आने के बाद में यहाँ पर थोड़ी बहुत आपको शुरू में प्रॉब्लम देखने मिलेगी, क्योंकि ये अभी पहला ही अपडेट है। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में तो ये थी इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, जैसे ही मुझे लिंक मिल जाएगी तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वेट कर सकते हैं जब तक मैं आपको लिंक नहीं प्रोवाइड करता है। अगर आप फ्लैश करना चाहते हैं तो फ्लैश कर सकते हैं नॉर्मली उसे डाउनलोड करके। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में तो ये थी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और तो ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आपका दिन शुभ रहे।